एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि राउंड वन काउंसलिंग से रिलेटेड है। सो गाइस, राउंड वन काउंसलिंग की जो ज्वाइनिंग डेट थी, जो रिपोर्ट करना था आपको कॉलेज में, वो डेट 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दी है और उसके रिगार्डिंग MCC का जो नोटिस है वो आ चुका है। सो वो नोटिस मैं आप लोगों को इस वीडियो में शो करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो ये वो नोटिस है जो MCC ने अपनी वेबसाइट पे डाला है और इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सो दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड द पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस दैट द डेट फॉर रिपोर्टिंग और एडमिशन फॉर राउंड वन ऑफ UG काउंसलिंग 2020 एट द अलॉटेड कॉलेजेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2 PM ऑफ 16th November 2020 ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली ऑन 14th November 2020। तो जितने भी बच्चों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुए हैं, इसके अलावा जो भी कॉलेजेस इस अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के लिए नोटिस दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो आपकी रिपोर्टिंग की डेट है वो 16 नवंबर तक कर दी गई है। पहले 14 नवंबर तक थी, लेकिन 14 नवंबर को क्योंकि दीपावली है इसीलिए 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक ही ये एडमिशन राउंड जो है आपका चलेगा, उसके बाद नहीं। तो 15 तारीख को ही चले जाना अगर कोई दीपावली से पहले नहीं जा पा रहा है, तो 15 तारीख को ही चले जाना। और 16 को जा रहे हो तो सुबह सुबह जाना, क्योंकि 2 बजे काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। पहले जो ज्वाइनिंग की डेट थी वो 12th November थी, बट क्योंकि काउंसलिंग की ही डेट आगे बढ़ गई थी इस वजह से 14th November कर दी थी, बट अब 16th November तक है। तो आप लोग अगर दीपावली से पहले नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दीपावली के बाद भी 2 दिन है उसमें आप ज्वाइन कर सकते। सो यही न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ओके, सो गाइस, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। तो इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं वहाँ पे रोज जो है बहुत सारे MCQs पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग उन MCQs का आंसर देके अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।